ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. पहले तो ये समझ लो दोस्तों, निकाह इज एक्ट ऑफ इबादत. निकाह इज इबादत. निकाह एक इबादत है, इसको लिख के लगा लो. निकाह नॉट ए कोई फंक्शन नहीं है, कोई जो है ना एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई कॉमन एक छोटा सा अमल नहीं है. निकाह प्योर इबादत है, अगर गुड कंडीशन और सही तरीके से अगर इसको एक किया जाए. ओके, निकाह का मीनिंग क्या होता है? निकाह जो लफ्ज, निकाह जो वर्ड ऑफ निकाह का मीनिंग होता है, एक चीज का दूसरे चीज के अंदर मिल जाना. जनरली निकाह अरबिक, अगर आप डिक्शनरी उठा के देखेंगे, जब पानी आसमान से बरसात होती है ना, बरसात बारिश होती है, तो बरसात एक ड्राई लाइन पे गिरती है, तो पानी जाकर जमीन के अंदर जब चले जाता है और वो ड्राई उसको सक कर लेता है पानी, और मिट्टी और पानी आपस में मिल जाते हैं, तो तब बोला जाता है नकहल माउ अल अर्द. पानी ने गिरते हुए बारिश के पानी ने निकाह किया किससे? जमीन के मिट्टी से. इतना ये एक्चुअल उसका ओरिजिनल वहां से आता है लफ्ज निकाह का. ओके, तो निकाह दो जौजैन का, ये नॉट ओनली दो जौजैन, दो हस्बैंड एंड वाइफ का नहीं है, टू फैमिलीज का, टू वर्ल्ड ऑफ फीलिंग का, वर्ल्ड ऑफ फीलिंग का आपस में इंटरेक्शन है, आपस में जो है एक होना है. सो इस वजह से इसको हमें हम लाइट में ले सकते हैं.